जय 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 परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुरलीधर प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक श्रमण प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य एलक 105 निरंजन सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की, तीर्थराज सम्मेश शिखर की, स्वरम परिक्षेत्र में अवस्थित, गुणायतन में स्थित, जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रेक श्रमण परम पूज महामुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, संघ में विराजमान परम पूज्य निरपक श्रमण प्रशांत सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज, परम पूज्य एलक निजानंद सागर महाराज की निश्रा में, परम पूज्य सीता सागर जी महाराज और परम पूज्य निजानंद सागर जी महाराज की निश्रा में विराजमान सभी सुश्राव को एवं अपने घरों में अवस्थित सुदूर स्थित सभी श्रावकों, जो परस चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से गुरुदेव की वाणी शंका समाधान के रूप में श्रवण करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, जीवन को उन्नत कर रहे हैं, आप सबका मैं गुणायतन एवं श्री सेवातन परिवार की ओर से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं आप सबको संबद्ध करने जा रहा हूँ गुरुचरण से। ये गुरुचरण जिनके प्रेरणा से सम्मेश शिखर जी में गुणायतन में पंचायत शैली का अद्भुत जैन मंदिर निर्मित होने जा रहा है, पाषाण जैन मंदिर जो लगेगा हमें अकृत्रिम चैत्यालयवत, और जहां हम देख पाएंगे साक्षात समोसरण, और जहां हमें दर्शन होगा हम जान पाए यात्रा होगी हमारी आत्मा से परमात्मा की। ऐसे गुणायतन में स्थित होकर के आज हम अपने गुरुदेव से अपनी समस्याओं के निदान पाए उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव के आशीष से हम सब लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। आज भी गुणायतन से संबद्ध होकर के गुणायतन को नया रूप देने में, एक रूप देने में कारण बने हैं बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे भक्तजन, उनके नाम उच्चार रहा हूं। यदि भी यहां हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, अन्यथा हम उन्हें अपनी तालियों के माध्यम से उनका प्रोत्साहन करेंगे। स्वर्णदान देकर के श्रीमती संगीता जैन, शशि जैन, पंचरत्न भोपाल, इन्होंने अपने जीवन को धन्य किया है, अपने स्थान में खड़े होकर के गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। श्रीमती संगीता जैन, शशि जैन, पंचरत्न भोपाल, अपने स्थान में खड़े हो जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। और निर्माण निधि से संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य किया है श्रीमान लाड़ूलाल जी, बाबूलाल जी जैन, गौरव अंकुश जैन चाक्षु, यदि उपस्थित हों तो आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान महेश चंद जी, आलोक कुमार जी जैन छिंदवाड़ा, उपस्थित हों तो अपने स्थान में खड़े होकर के आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। और आज हम सम्मान करेंगे सीए श्रीमान परम जी बोहरा, हीराचंद जी, दिलीप जी बोहरा, जो सुपुत्र हैं हीराचंद जी के, आए गुरु चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में चांदी प्रदान की है रजत कार्य के लिए, बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित करो, आए गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान मुकेश जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन रीवा। मुकेश जी रीवा से हमारे बीच में, वे सीखता से आ जाएं सम्मान करने के लिए। मुकेश जी जैन रीवा गुणायतन ट्रस्टी आ जाए। श्रीमान सनत जी जैन मंडी बामोरा, रूपेश क्या नाम है, परम सनत जी जैन, सम्मान करने के लिए आ जाएं मंडी बामोरा से, आपकी तालियां बजती रहे। इन्होंने आज रजत दान किया है, कल स्वर्ण दान करेंगे, परसों गुणायतन के ट्रस्टी बन करके सीए हैं, ट्रस्टी भी बन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। इस भावना के साथ हम इनका सम्मान करते हैं, इनका प्रोत्साहन वर्धन करते हैं। इसी क्रम में आज सुधार के रूप में जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है और जीवन के सूत्र संजोए हैं, ऐसे श्रीमान अभिषेक जैन, दीपक जैन, गौरव अनिता जैन, रितिका जैन दिल्ली से, यदि उपस्थित हैं तो सीखता से आ जाए। अभिषेक जी, दीपक जी, अनिता जी, रितिका जी जैन दिल्ली, आइए सीखता से।
और इनका सम्मान करने के लिए मुकेश आ गए। मुकेश जी सम्मान करने के लिए उपस्थित हो, ट्रस्टी गुणायतन मुकेश जी रीवा से सम्मान करेंगे, साथ में सम्मान करेंगे हरीश जी जैन कागजी दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन सक्रिय कार्यकर्ता हैं। कागजी जी कल जा रहे हैं, आज हम इनका सम्मान करवा के इनका सम्मान करना चाह रहे हैं। और इसी क्रम में शुद्धाय के रूप में अपने जीवन को जोड़ करके धन्य किया है श्रीमती अंगूरी बाई सनत दीपेंद्र आदि आर्जव वीर आरजी जैन परिवार जबलपुर ने, सरौली वाले परिवार जो जबलपुर में निवास कर रहे हैं वे आए क्रम से। एक मिनट, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और आपकी तालियां इनका निरंतर प्रोत्साहन करती रहें, आपकी तालियां इनके प्रोत्साहन को बढ़ाएंगी और एक दिन ये ट्रस्टी बनकर के गुणायतन के ट्रस्टी बनकर जीवन को धन कर पाएंगे। इनका सम्मान करने के लिए सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सतीश जी साधना जी नजा परिवार, जो अपने बेटे सुमित जी सुह जी के साथ यहाँ पे हैं, वे सम्मान करने के लिए पहुँचे, सम्मान करेंगे श्रीमती अभिषेक जी, श्रीमती अंगूरी बाई सनत दीपेंद्र आदि आजा वीर आरती परिवार जबलपुर का सम्मान करेंगे, सतीश जी साधना जी जैन नजा परिवार ललितपुर जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। आगे अपने क्रम से आगे ठीक है, श्रीमान अभिषेक जी ये सम्मान करेंगे, सम्मान करते हैं महाराज जी, वो नजावान आज जो यहाँ आए थे गुरुचरण देव की वंदना की, आशीर्वाद प्राप्त किया और गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। पानीपत हरियाणा से श्रीमान पदम जी चक्रेश जी जैन पुत्र नितिन जी राहुल जी अक्षता आहान अरहम बेटी दमाद सारू जी दीपक जी पोत पोती अंशिका ऋतिका जी आरव जी जैन परिवार पानीपत, हमारी तालियां उन तक पहुंचे, आए थे चले गए ट्रस्टी बन करके हम सम्मान नहीं कर पाए, लेकिन आज उनका सम्मान करके इसके माध्यम से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। अब दिखा दिया और अब सीधे सीधे मैं आपको लिए चलता हूं गुरुदेव के चरणों में, जहां से हम समाधान पा करके अपने जीवन को उन्नत करेंगे। प्रथम प्रश्न के लिए श्रीमान अशोक कुमार जी श्रीमती राका जैन 40 व्यक्तियों का समूह जो तीर्थयात्रा ग्रुप है अलवर राजस्थान से अपने स्थान में खड़े होकर के प्रश्न प्रस्तुत करें और समाधान पाएं। तैयार रहें श्रीमान अमित जी जैन बेरसिया भोपाल, अमित जी तैयार रहेंगे बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक तरफ तो हम कहते हैं कि प्रभु के बिना यानी जब तक प्रभु की छत्र छाया नहीं तब तक जीवन में कुछ होता ही नहीं, और एक तरफ हम कहते हैं प्रभु करता धरता हरता नहीं, ये दोनों बातों में विरोधाभास है जो इंसान को भ्रमित करता है, समझ नहीं आता जब तक प्रभु जब करता धरता हरता नहीं तो प्रभु की भक्ति क्यों। देखिए आपका जो सवाल है, आपके सवाल से मिलता जुलता सवाल एक बार एक दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर ने मुझसे किया था। मैं समझता हूँ आपके प्रश्न के संदर्भ में उन्हें जो उत्तर दिया वो कर दे तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा कि महाराज श्री, मुझे जैनों की सब बातें अच्छी लगती है पर एक बात समझ में नहीं आती, वो ईश्वर को तो मानते हैं पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते, जो आपने बोला। देखिए ना, मुझ पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की, मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी, यदि यही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। क्या, मैंने कहा अगर ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की। फिर उन्होंने कहा महाराज जी, यदि ऐसी बात है
जब ईश्वर कुछ करता धरता नहीं तो आपके यहाँ ईश्वर की पूजा क्यों होती? मैंने कहा आप दर्पण देखते हो? बोले हाँ देखता हूँ। देखती हूँ क्यों देखती हो? इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। तो मैंने पूछा ये बताओ क्या दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता है? ना ना, दर्पण हमारे चेहरे के दाग धब्बे को साफ नहीं करता, दर्पण देखकर हम खुद अपने चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर लेते हैं। समझ में आ गए? बिल्कुल। तो मैंने उनसे कहा हमारे ईश्वर हमारे भगवान वो दर्पण है जिसमें हमें हमारे दोष और दुर्बलताएं दिखती है और हम अपने भाव विशुद्धि के बल पर उसे साफ करते हैं। समझ गए? तो करता धरता नहीं है पर मिलता सब कुछ है। समझ गए? चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अमित जी जैन बेरसिया भोपाल उपस्थित हो तैयार हैं। सोनिया पोखरना, दिलीप जी पोखरना, काकरोली बेंगलोर। हेलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री मेरी जिज्ञासा एक काफ़ी पुरानी है। मुनिश्री के प्रवचनों में कई बार सुनने में आया है कि जब देश या राष्ट्र पे कोई संकट आता है तो मुनि भी अपना मुनिपद छोड़कर उस संकट के लिए तत्पर हो जाते, खड़े हो जाते। अब ऐसे में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती कि जब भगवान राम को वनवास हुआ वचनबद्ध थे और उन्होंने अपने वचन को प्राथमिकता दी, अपने देश को नहीं दी, ऐसे ही भीष्म पिता में यदि विवाह कर लेते। ओम, थोड़ा दूर से माइक बोलो। हाँ। यदि भीष्म पिता में यदि विवाह कर लेते और उनके देश को उनकी जरूरत थी, यदि वो विवाह कर लेते तो एक हस्तिनापुर को एक सार्थक उत्तरदायी मिल जाता और महाभारत जैसा भीषण युद्ध नहीं होता। तो जिज्ञासा ये है प्रभु कि वचन या प्रतिज्ञा का मान रखना राष्ट्र से भी बड़ा होता है क्या? देखिए, पहली बात तो अपने वाक्य को थोड़ा संशोधित करें। मैंने ये नहीं कहा कि राष्ट्र को जरूरत होती है तो मुनि भी अपना मुनिपद छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं ऐसा नहीं, छोड़ सकते हैं। क्या जरूरत होने पर वो छोड़ सकते हैं। अब रहा सवाल, आपने रामचंद्र जी और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की बात की। बिल्कुल, रामचंद्र जी चाहते तो अपनी प्रतिज्ञा को टाल सकते थे। पूरी अयोध्या उनके अनुकूल थी, यहाँ तक कि दशरथ जी भी खुद कह रहे थे कि मैं तो मेरी मति मर गई, फंस गया, वचनों में बंधा है, बंधाऊँ तू मुझसे युद्ध करके मुझे पराजित करके बंदी बना ले और अयोध्या का राजा बन जा। रामचंद्र जी ऐसा चाहते तो कर सकते थे, पर ऐसा करने पर राम अयोध्या के राजा होते, राम राम नहीं बन पाते। समझ गए? हर व्यक्ति के हृदय में आज उनका राज है। ऐसे तो बहुत राजा हुए जो जनता के प्रजा के चहेते हुए और इस दुनिया से चले गए, हम कितने को जानते हैं, पर राम तो एक ही है ना। समझ गए? जी जी। तो ये राम राम क्यों बने? क्योंकि वो अपनी प्रतिज्ञा में दिल रहे। रहा सवाल, उस समय अयोध्या में ऐसा कोई संकट नहीं था कि रामचंद्र जी अगर राज्य नहीं संभालते तो अयोध्या तहस नहस हो जाती। उन्हें पता था मैं नहीं हूँ तो भरत मुझसे कहीं कमतर नहीं है, भरत अयोध्या को संभाल सकते हैं। समझ गए? जी। इसलिए उनका वो निर्णय सर्वोपयुक्त निर्णय था। समझ गए? अब भीष्म पितामह की बात है। भीष्म पितामह अगर चाहते तो विवाह कर सकते थे, लेकिन अगर वो ऐसा करते तो भी वे एक साधन राजा भर बनते, भीष्म पितामह नहीं बन पाते। और जिस समय उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की थी उस समय राज्य के सामने कोई संकट नहीं था। समझ गए? और भीष्म पितामह के काल में भी भले युद्ध हुआ
पर ऐसा राज्य का संकट नहीं था। और युद्ध के घड़ी में अपने पक्ष का साथ देना राजधर्म कहलाता है, इसलिए भीष्म पितामह को कौरवों के साथ खड़े होना पड़ा, वो उनकी बाध्यता थी। इसलिए ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दें, प्राण जाए पर प्रण न जाए, ये हमारी संस्कृति की एक बड़ी पुरातन उक्ति है, पर वह हमें प्रसंग के अनुरूप देखना चाहिए। जब धर्म पर पूर्णतः संकट आए तब ये आपवादिक मार्ग अपनाया जा सकता है। समझ गए? चलिए आइए, बेंगलोर से श्रीमती सोनिया जी एवं दिलीप जी पोखरना काकरोली, और तैयार हैं विशाल कुमार परेश कुमार शाह कनाडा। नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के श्री चरणों में पूरे पोखरना परिवार की ओर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये था कि सब कुछ भलीभांति जानते हुए भी कि मनुष्य सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी क्यों गलत की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है? ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, और इससे बचने के उपाय क्या है? देखिए, आपका जो सवाल है ये सवाल मुनियों के संदर्भ में भी उठा और आचार्य पूज्यपाद के सामने ये सवाल आया कि हे भगवान, जानन अपि आत्मनस्तत्वम विविक्तम भावयन अपि पूर्व भ्रांति वसाचेत भूयो भ्रांति मभिगच्छति। कैसा विचित्र संयोग है, आत्मतत्व के बारे में जानते हुए भी एकांत में उसकी भावना भाते हुए भी फिर भी मन पर की तरफ चला जाता है। क्यों? पुराने संस्कार के कारण, पूर्व विभ्रम वसात, पुराने संस्कार। समझ गए? तो जैसे हम लोगों के संदर्भ में कहा, वैसे आप लोगों के संदर्भ में भी है। अच्छी बात जानने समझने के बाद भी हमारे पुराने संस्कार हमें उसी दिशा में खींच लेते हैं जो हमारे जीवन को अटका देते हैं। आइए श्रीमान, कनाडा से विशाल जी परेश जी शाह, और तैयार हैं श्री पीयूष जैन धनवाद। पीयूष जैन धनवाद बोलो। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि बार नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जो कनाडा में मंदिर है वहाँ पे प्रतिमा जी है, वहाँ पे तो मुनि महाराज जा नहीं सकते, तो हम उसको लाइक उसकी प्रतिष्ठा कैसे होती है, हम उसको वंदन कर सकते हैं? कनाडा में जो प्रतिष्ठा हुई किनने कराई, यहाँ से प्रतिष्ठित होके गई कि वहाँ प्रतिष्ठाचार्य ने कराया? वो मुझे नहीं पता। कब से हो आप कनाडा में? 4 साल से। देखो ऐसा है, जहाँ मुनि महाराज की सुलभता हो वहाँ मुनि महाराज के हाथों ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए, पर जहाँ मुनिराज का पहुँचना संभव नहीं है उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो मुनिराज की उपस्थिति में उसकी प्रतिष्ठा करा के वहाँ प्रतिष्ठित करा दो, और यदि वो संभव नहीं है तो प्रतिष्ठाचार्य के लिए ऐसा कहा गया है कि वो वस्त्र त्याग कर पर्दे में भगवान की प्रतिष्ठा कर ले। तो ये प्रतिष्ठा हो गई, आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इस बात की खुशी मनाइए कि कम से कम हमें देव दर्शन तो सुलभ हो रहे हैं। समझ गए? नमस्ते। धन्यवाद से उपस्थित हों श्रीमान पीयूष जी जैन, और धन्यवाद से ही तैयार हैं सुश्री रति रति गोधा, संजय जी गोधा, नीरंजन जी गोधा के साथ अपने माता पिता के साथ रति तैयार रहेंगी। मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मंदिर जी में पूजा विधान जोर जोर से बोलनी चाहिए या और वार्तालाप कैसी होनी चाहिए? देखो, अब मंदिर में जाओ, पूजा विधान करो, मन लगा कर करो, पर इतना ध्यान रखो मेरे मन लगाने के साथ दूसरों का मन भटके नहीं। कई लोग होते हैं जिनको गा बजा कर पूजा करने में आनंद आता है, कुछ लोग होते हैं मौन पूर्वक,
तो या तो सामूहिक पूजन हो तो कोई बाधा नहीं, और यदि सामूहिक पूजन नहीं है और किसी की गा बजा कर पूजा करने की आदत है तो वो तब जाओ जब भगवान खाली हो जाए, और सामूहिक में रहो सब लोगों के आने के समय में है तो समय बिना किसी को व्यवधान किए अपनी पूजा आराधना करनी चाहिए। मैं एक स्थान पर था मध्य प्रदेश में गोटे गांव, वहाँ एक सज्जन थे, वो हम जब आहार को निकलते थे उसके बाद पूजा करने आते थे और बहुत मधुर संगीत के साथ, क्या बमोरिया जी नाम था, क्या नाम था उनका, हाँ नेमीचंद बमोरिया, ये बैठे गोटे गांव वाले थे हमारा जी गोटे गांव वाले, और वो पूजन करते बहुत भाव से। कभी कभी मैं आहार करके लौटता था ना तो बैठ के सबको चुप करता इनकी पूजा सुनता था इतनी भाव से। अब मैंने उनसे बोला, बोला महाराज मैं अपने भगवान के बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता, मेरा मन तभी लगता है जब मैं बहुत भाव से गा के पूजा करता हूँ, और प्रायः पंद्रह दिन में एकाध पूजा वो खुद भी बना लेते थे, और वो पूजा करते लीन होकर करते, और विशेषता ये कि पूजा करने के बाद ही कुछ खाते पीते थे। अभी है वो नहीं रहे, तो ये एक पद्धति है। तो जिनको गा बजा के पूजा करना है वो तब जाओ जब तुम्हारे भगवान के बीच तीसरा ना हो, समझ गए, और जब भीड़ भड़क का हो सब लोगों के आने का टाइम हो तब व्यवस्था के अनुरूप ही काम करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। सुश्री रति गोधा अपने मम्मी पापा संजय जी नीलम जी गोधा के साथ उपस्थित हो ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहे श्रीमान सतीश जी साधना जी नजा, श्रीमती शुभी जैन स्मित जैन नजा ललितपुर दिगंबर जैन समाज पंचायत ललितपुर के मंत्री। सभी महाराज जी को मेरा नमोस्तु। महाराज जी आजकल कहते हैं कि बेटे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और इतना हड़बड़ा के नहीं, आराम से बोलो। हाँ फिर से बोलो, बोलो 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 बेटा बोलो, हाँ बोलो अच्छे से बोलो। आजकल कहते हैं कि बेटे माँ बाप पर बोझ होते हैं और बेटियाँ बेटियाँ हमारा माँ बाप पर बोझ होती हैं, क्या बोल रही, बोलो बोलो बोलो। हाँ आजकल कहते हैं कि बेटे माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और बेटियाँ माँ बाप पर बोझ होती है, तो महाराज जी मेरा प्रश्न ये, तो महाराज जी लड़की ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम लड़कियाँ नहीं कर सकती। तुम ये क्या कहना चाह रही, पहले तो ये स्पष्ट करो, सुनने में नहीं आया, बेटियाँ माँ बाप पर बोझ होती कि बेटे बोझ होते, ये उल्टा बोल रही है। हाँ इन्हें एक मिनट समझ गया, ये लिख बोल रही है कि बेटे माँ बाप पर बोझ होते हैं, बोझ किसको बोल रही, बेटे को कि बेटे, आजकल कहते हैं कि लड़के माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और बेटियां माँ बाप पर बोझ होती है। हाँ तो महाराज जी लड़के ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम लड़कियां नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ये बात ठीक है जो कहा जाता है कि लड़के माँ बाप का नाम रोशन करते हैं और बेटियाँ माँ बाप की बोझ होती है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो मैं ये कहूँगा लड़कों से बड़ी है लड़कियाँ, क्यों सो सुन लो, पुत्र को कुल का दीपक कहा वो एक घर में दीप जलाता है, और बेटी को उभय कुल विवर्धनी कहा वो दो कुलों का नाम रोशन करती। माँ बाप का बोझ नहीं है वो वंश को बढ़ाने की वेल है, समझ गए, संतति तो नारी से ही चलती है आगे बढ़ती है। तो यदि कोई बेटी आदर्श कन्या का जीवन जिए और उसके अंदर नारियोचित समस्त गुण समाहित हो जाए तो अपने आचार व्यवहार से अपने पिता के घर में और अपने पति के घर में दोनों घरों में उजाला फैला सकती है।
अब रहा सवाल ये बोझ कहने का, बोझ कहने के पीछे ये मध्यकालीन मानसिकता है, क्योंकि मध्य युग में एक दौर ऐसा चला जब दहेज आदि की बहुत ज़्यादा मांग चली, जो आज भी कई रूपों में है, तो उस दहेज के कारण कन्या को लेकर के लोगों को ये बात आने लगी और एक उक्ति आ गई, जाते ति कन्या महते ति चिंता। कन्या जन्मी और चिंता जन्मी, वो मूल रूप से दहेज की विकृत मानसिकता के परिणाम स्वरूप था। और आज यदि बदले संदर्भ में कहो तो मैं कहूँगा बेटे तो फिर भी धोखा दे दे, बेटियाँ ही काम में आती हैं। युग तेजी से बदल रहा है। और कल मैंने एक अच्छा चित्र देखा, अभी तक एक बड़ी अलग चित्र देखा। एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद बेटियों ने कंधा दिया हो उसकी अर्थी पर, ये तो पहले आया। अभी एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसकी दोनों बहुओं ने कंधा दिया, ये चित्र मैंने देखा। तो समय में बड़ा परिवर्तन आ रहा है और हम बेटे और बेटी के भेद की मानसिकता से बचने की कोशिश करें। बेटी बेटी बन के रहे और बेटे बेटे बने। ओम श्रीमती सूफी जैन श्रीमती सुमित जैन नजा ललितपुर प्रवासी म्यूनिख जर्मनी, दिगम्बर जैन समाज ललितपुर के समाज पंचायत के मंत्री और दिगम्बर जैन गुणातन के ट्रस्टी तैयार रहेंगे। श्रीमान शेखर काला जयपुर, बाबूलाल जी बिमला जी जैन चाक्षु के साथ, बहुत सारे साथियों के साथ जयपुर से। पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नजा परिवार ललितपुर की नमोस्तु। और महाराज जी जिन जिन हमारे माध्यम से आपके चरणों में नमोस्तु प्रेषित किए उन सबकी ओर से नमोस्तु। महाराज जी मेरी संख्या मेरे बेटे सुमित नजा की ओर से जो जर्मनी में, महाराज जी उसकी संख्या ये है, उसको दो ना जी, वो कह रहा हम कपेंगे थोड़े से। जर्मनी में रह रहा यहाँ कापेगा, तू ही पूछ, वो ही पूछेगा। बेटों को आगे करोगे तभी कुछ बन पाओगे। हाँ बोलो बोलो महाराज जी। जर्मनी में या बाहर देश में जैसे शंका बताई गई कि मंदिर वगैरह नहीं रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में धर्म से कैसे जुड़े रहें? बहुत सुंदर, देखिए ये बात सही है, जहाँ मंदिर आदि नहीं होते वहाँ धार्मिक गतिविधियाँ करने में दिक्कत होती। इसके लिए दो बातें हैं, दो दृष्टियाँ हैं। पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम जहाँ रहें वहाँ हमें दर्शन आदि सुलभ हो, मंदिर सुलभ हो। आज से 4-5 दिन पहले ही जर्मनी के किसी ने कहा था, यही सवाल किया था, हम अपने यहाँ मंदिर नहीं क्या करें, तो मैंने सलाह दी थी कि जितने लोग आसपास हैं उनको जोड़कर एक चैत्यालय से शुरुआत कर सकते हो। तो कोशिश करें कि हम मंदिर बन सके चैत्यालय के रूप में ही सही व्यवस्था बनाए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक डिजिटल माध्यम से अपनी धार्मिक क्रियाएं कर ले, छोड़े नहीं, अभिषेक भी देखें, पूजन पाठ में भी सम्मिलित हों, और रोज ये भावना भाई है भगवान ऐसा पुण्य गाढ़ा हो कि हम साक्षात देव दर्शन कर सके। मैंने डिजिटल की बात की तो उसकी आड़ में गड़बड़ मत करना कि अब महाराज ने तो कह दिया मंदिर का झंझट क्यों पाले, अपना आराम से नेट डिजिटली हम देख ले, वर्चुअली दर्शन कर ले। ये अपवादिक बात है, जैसे कोविड के दौर में सब लोगों ने वर्चुअली ही सारा काम किया, लेकिन जब एक्चुअली हो तो वर्चुअली क्यों, समझ गए? इसलिए भावना भाव ताकि पुण्य गाढ़ा हो और वहाँ भी तुम्हारी पूजा आराधना संपन्न हो सके। चलिए उपस्थित हों जयपुर से श्रीमान शेखर जी काला, बाबूलाल जी बिमला जी चाक्षु अन्य साथियों के साथ, और तैयार रहेंगे कर्नल दिगंबर जैन समाज के गौरव कर्नल राजीव जी, डॉक्टर अदिति चौधरी महू निवासी प्रवासी शिमला, डॉक्टर अशोक जी कंचनलता जी के पुत्री दामाद। बोलिए। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं शेखर काला अपने मित्रों के साथ आपसे मुखातिब हूँ, उपस्थित हूँ।
महाराज जी एक शंका है कि हम लोग जब अभिषेक करते हैं मंदिर जी में, उसके बाद में शांति धारा भी करते हैं, उसके बाद में जब शांति धारा समाप्त होने के बाद भी कुछ व्यक्ति कुछ महिलाएं ये कहती है कि हमें अभिषेक फिर दिखाइए, तो इसमें थोड़ा सा हमें स्पष्ट करें कि शांति धारा के बाद में अभिषेक तो ठीक है कर भी लेते हैं, लेकिन जब उन्होंने शांति धारा देख ली फिर उनका ये एक कहना कि हमें अभिषेक दिखाएं। देखिए पहले तो मैं सभी से कहूँगा जिनको अभिषेक देखने का नियम है या भाव है उन्हें समय मिलाकर जाना चाहिए, भागते दौड़ते अभिषेक दिखाओ ये उचित सा नहीं। यदि हमारा समय सुनिश्चित है तो आप समय ठीक कीजिए, आपको ट्रेन पकड़नी होती है तो अरे मैं आ गए ट्रेन रोक लो ऐसा करते हो, हाथ देते हो क्या? कोई पिक्चर देखने जाता है तो आप समय पे जाते हो कि नहीं जाते हो? तो भगवान के दर्शन बंदन के लिए भी समय से ही जाएं। कदाचित कभी किसी वजह से ऐसा विलंब हो जाए और आपने शांति धारा भी देख ली है तो आप उसको ही अभिषेक मानिए, शांति धारा भी तो अभिषेक है बृहद मंत्रों के द्वारा। बार बार इस तरह करना ठीक नहीं। और मान लीजिए कई बार ऐसा हुआ कोई शांति धारा के बाद भी आया है तो जब तक अभिषेक समापन का अर्घ अर्पित नहीं हुआ तब तक आप कर सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। दिगंबर जैन समाज के गौरव पुत्र श्रीमान कर्नल राजीव जी डॉक्टर अदिति जी चौधरी महू, दोस्तों जो पति दामाद हैं डॉक्टर अशोक जी कंचन लता जी जैन जबलपुर के, अपना प्रस्तुत करेंगे और हमका इनका सम्मान करें, ताने बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। एक ऐसे सुपुत्र हैं जिनसे जैन समाज गौरव प्राप्त कर रही है। तैयार रहेंगे। सेना में अपनी सेवा देने वाला कर्नल है उसको मंच पे ला। सेना में सेवा देने वाले कर्नल हैं, आए मंच में गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें, आप लगातार बरसती रहे। देखे मुझसे सम्मान करने के लोग ऐसी धारणा बनाए हैं कि जैन लोग सेना में अपनी भागीदारी नहीं लेते। ये राजीव अभी कितने वर्ष हो गए तुम्हें? 25 वर्ष से सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं और पूरी तरह विशुद्ध जैन बनकर, है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक उदाहरण है। तो ऐसा कभी शराब वराब तो नहीं पिया? नहीं पिया ना, बस। तो ये एक बड़ी बात है, तो ऐसे लोगों का सत्कार करना ही चाहिए। सुनील जी एक प्रेरणा मिल जाए। हाँ सुभाष जी को बुला लो। सुभाष जी सीईओ गुणायतन एवं सुनील जी सीएफओ गुणायतन। सुभाष जी हैं उपस्थित? हाँ, जब तक आप अपना सुभाष जी नहीं, एक बार करतल ध्वनि कर दीजिए। हाँ और बताऊं महाराज श्री, इन्होंने मुझसे आगे कहा था पंडित जी हम सम्मान नहीं करवाना चाहेंगे इसलिए मैं बुलाया नहीं, हमें मत बुलाना ऐसा कह रहे थे, इनकी विनम्रता देखिए। हमें सम्मान नहीं करना, इसका परिचय कराना है, लोगों को प्रेरणा मिले। करिए करिए कर दीजिए। हाँ रंजीत जी ओ हाँ राजीव पूछो। हाँ हेलो। अच्छा तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं? तुम्हारे भाई मामा का लड़का है, भाई हो गया। क्या बात है, शक्ति जी के मामा के पुत्र हैं। इनके पिताजी इनके मामा के पिताजी भी कर्नल थे, बहुत सुंदर। बोलो राजीव। हाँ जी, मेरे दो प्रश्न हैं गुरुदेव। पहला ये कि जो जिस प्रोफेशन में मैं हूँ उसमें जो हिंसा होती है क्या उसको हिंसा माना जाएगा, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ और मैंने की है हिंसा। और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या भाग्य होता है या हमारे कर्म ही भाग्य के रूप में हमारे सामने आते हैं? बहुत अच्छा। देखिए पहला सवाल जो आपने किया, खड़े रहो आप। एक सेना में रहने वाला व्यक्ति निश्चित उससे हिंसा होती है, वो ही होगी। आप तो बिल्कुल बॉर्डर पे भी गए होंगे। हाँ आतंकवादियों को मारा। दो दृष्टियाँ, एक है रक्षा के लिए मारना और एक मारने के लिए मारना। हमारे यहाँ विरोधी हिंसा को क्षम्य कहा है,
समझ गए। एक सेनापति था आबू का, वो व्रती था। अब युद्ध छिड़ रहा था, प्रतिक्रमण का समय हो गया, वो प्रतिक्रमण करने लगे। मैं एक इंद्रियों से क्षमा मांगता हूँ, दो इंद्रियों से क्षमा मांगता हूँ, अगर किसी से एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के लिए सबसे क्षमा, अगर घात हो गया क्षमा। मंत्रियों ने राजा से कहा, ये तो सबसे क्षमा मांग रहा है, ये युद्ध क्या जीतेगा? तो जब ये बात आई तो आबू ने कहा कि महाराज, वो मेरा आत्मधर्म था जो मैं अपने प्रतिक्रमण में कर रहा था, और ये मेरा राजधर्म है जो युद्ध के मैदान में कर रहा। उसने अकेले दम पर रुंड मुंड संड करते हुए पूरी सेना को तहस नहस करके विजय दिलाई थी। शायद नाम सांभाजी था, संभाजी, समझ गया। जैनत्व के गौरव करके हुकुमचंद जी सांवला की कृति प्रकाशित हुई, इसी मंच से उसका विमोचन हुआ था। उसे पढ़ोगे तो छाती फूल जाएगी कि हम जैन वीरों की संतान हैं। भामाशाह जैसे ने राणा प्रताप के साथ सेनापतित्व किया था, ये विरोध ही हिंसा है। आप देश की सुरक्षा के लिए काम करते हो या कोई और काम के लिए? आपने एक आतंकवादी को नहीं मारा, आपने पूरे देश के अनेक निर्दोष लोगों की जान बचाई। समझिए, जैन पद्म पुराण में लिखा है कि रणांगण में कोई योद्धा यदि जाता है तो एक और उसकी धर्मपत्नी विजय का सेहरा लेकर उसकी प्रतीक्षा करती है, तो दूसरी ओर स्वर्ग में सुरांगना। यदि युद्ध से जीत कर लौटता है तो उसकी धर्मपत्नी उसके सिर पर सेहरा बांधती है, और वीर गति को प्राप्त होता है तो सीधे स्वर्ग जाता है। समझ गया, तो ये हमारा धर्म है, और भारत की संस्कृति रक्षा की संस्कृति है। आप सब रक्षा मंत्रालय से जुड़े हो, हम डिफेंस की बात करते हैं, ऑफेंसिव नहीं है, समझ गए। तो आज जवान यदि बॉर्डर पर ना हो तो हम आप शांति से यहाँ बात कर पाएंगे? तो ये भी उनका एक धर्म है। इसलिए जितने भी सैनिक हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि वे अपने धर्म का ही निर्वाह कर रहे हैं, करते रहे, समझ। दूसरा जो आपने सवाल किया, भाग्य और कर्म के संदर्भ में, ये होता भी है या नहीं होता या किस रूप में होता, ये सवाल अक्सर आता है। मैं बड़े कम शब्दों में आपसे कहूँगा, मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं है क्या, पर मेरा कर्म क्या होना चाहिए इसका मुझे पता है। मुझे क्या कर्म करना है ये मुझे पता है ना। तो जिसका मुझे पता है और जिस पर मेरा नियंत्रण है मैं वो करूं, जिसका मुझे पता नहीं और जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं उसके पीछे क्यों भागूं? समझ गया, इस उलझन में मत पड़ो कि भाग होता है कि नहीं होता, भाग बड़ा कि कर्म बड़ा। इस सवाल तो न जाने कितने वर्षों से पूछा जाता रहा, सदियों से पूछा है लोगों ने, पर इस सवाल से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ में जो है मैं वो करूं। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि मैं जो करूं वो हो ही जाए, ना हो तो ना सही, जो हो उसे मैं स्वीकार करूं। ये परिणति यदि हमारे मन में बनेगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। समझ गया, ओम ओम। भाग को हम माने पर कब, जब बहुत
प्रयत्नों के बाद भी अनुकूल परिणाम न मिले और मन अशांत होने लगे तो अपने मन को समझाने के लिए कहें, भैया मेरे भाग्य में यही था, समझ गए, कुछ अघट घट जाए शायद मेरे भाग्य में यही था। पर जब हम कुछ करने के लिए बढ़े तो भाग्य को एक तरफ रखें, कर्म को आगे लेकर चले। ओ उपस्थित हों ग्वालियर के ट्रस्टी श्री हरीश जी जैन काग जी दिल्ली से, और तैयार रहेंगे श्री प्रोफेसर अशोक कुमार जी की धर्मपत्नी श्रीमती सीता। इसके बाद मंच ऊपर आएगा, नहीं अभी सुधीर जी आएंगे, सुधीर जी अंतिम बोलिए। श्रीमान सुधीर जी, श्रीमती नीलम जी कटनी अपने बेटी दामाद के साथ, सुधीर जी हैं, हाँ हैं, प्रदीप टकसाली बेल्जियम, श्रीमती सपना, शिवांग जी शौर्य जी दुबई, शिवांग जी नाती न्यूयॉर्क अमेरिका, माइक दीजिए सुधीर जी, ये सब तैयार रहेंगे। राहुल जी दामाद जयपुर, श्रीमती सोनल बेटी अभियाना सोनीपत, आरव जैन मेयू, भानेज अजमेर, अयान जैन नाती अजमेर, ये सब तैयार रहेंगे। सुधीर जी ट्रस्टी गुणायतन और जो पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय निगम जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी के, इनके परिवार के सभी सदस्य तैयार रहेंगे। उपस्थित हरीश जी पूछो कहाँ गए, आज वो हरीश जी नहीं पूछ रहे, सुधीर जी पूछेंगे। श्रीमती सीता जी जैन टीकमगढ़ वाले विकांत जी के साथ भले ही उपस्थित हो, जल्दी से जल्दी कर लें, जब तक वो तैयार हो जाए जल्दी दीजिए, वो तैयार रहे, बस समय को देखिए, अब मंच इधर कर दीजिए, जल्दी कीजिए, जो कुछ उपस्थित हो खड़े हो जाएं। मैं पूछिए क्या महाराज श्री बोलिए, महाराज श्री के श्री चरणों में मैं वणिक पुत्र सुधीर जैन तीन पीढ़ियों के साथ नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुवर, सुना है कि सच्चे मुनि के आशीर्वाद से सब कुछ सफल होता है, तो महाराज श्री मैं प्रश्न करूं उसके पहले आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं पांच पीढ़ियों के साथ आपके दर्शन करके नमोस्तु कर सकूं। महाराज श्री 7 बरस बनारस में पढ़ा इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, सुना है 4 तीर्थंकरों के गर्भ और जन्म कल्याणक वहां हुए और प्रतिदिन करोड़ों रत्नों की वर्षा होती है। महाराज श्री आज तक उन रत्नों को ढूंढ नहीं पाया। मेरे दामाद बेल्जियम से आए हैं, रत्नों का व्यवसाय करते हैं। बड़ा बेटा अमेरिका से आया है, ये भी इसी लाइन पर है। छोटा बेटा दुबई में है, ये भी रत्नों के व्यवसाय में है। महाराज श्री जो रत्न बरसते हैं, क्या वे हमें समझ में नहीं आते, हम उन्हें कैसे पाएं? हमें उनके पाने का आप मार्ग बता दें, हम आपके आने वाली पीढ़ियों तक ऋणी रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए पहले तो आपने आशीर्वाद चाहा है कि 5 पीढ़ियों के साथ दर्शन करने आए, मेरे आशीर्वाद से अगर ऐसा होता है तो 10 पीढ़ियों के साथ आओ, क्या बुराई, दो ही हाथ से दे, कटौती क्यों करूं, आशीर्वाद ही देना है तो पूरा बांटे ना। बहुत अच्छी भावना है, भाव रखना चाहिए। आपने जो सवाल किया, तीर्थंकरों के जीवन काल में जो रत्नों की वर्षा हुई वो कहाँ चले गए, मैं कहता हूँ अच्छा हुआ कि चले गए, अगर वे होते तो आज आपके बेटी दामाद और बेटे रत्नों के व्यापारी नहीं बन पाते, क्योंकि इतने रत्न बरस गए, उसकी तो बहुलता होती, वो रत्न रत्न नहीं होते, उनकी उनका मूल्य ही खत्म हो गया होता। रत्न केवल इसलिए रत्न है कि वे दुर्लभ है। रहा सवाल तीर्थंकरों के तीर्थ काल में बरसने वाले उन दिव्य रत्नों का, तो उस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, ये दिव्य निधियाँ हैं, दिव्य निधियाँ जिनके पुण्य के निमित्त से आती है उनके ही काम में आती है, और उनके बाद जहाँ से आती है
ऑटोमेटिक वहीं चले जाते, समझ गए? तो इन बाहर के रत्नों के चक्कर में मत पड़ो। तीर्थंकर भगवंतों के काल में देवों ने जो रत्न दिए देव उसे वापस ले लिए, पर भगवान ने हमें तीन रत्न ऐसे दिए कि यदि उसे हम आत्मसात कर ले तो माला माल हो जाए। वो तीन रत्न आपके हमारे सबके हृदय में हैं, उसे पहचानो। इन रत्नों का तो फिर भी मूल्य है, वो भीतर के जो तीन रत्न हैं वो अमूल्य है। विडंबना है कि हम उस अमूल्य का कोई मूल्य नहीं समझते। तो सुधीर जी, उन रत्नों का मोह छोड़ो और तीन रत्नों को देखो, और उन तीन रत्नों को देखोगे तो फिर आगे की पीढ़ियों की भी चिंता नहीं होगी। अब अपने उद्धार की सोचनी है, ये तो संसार का विस्तार है, उधर क्या विस्तार करूं? मेरे भीतर जो रत्न त्रय की निधि है, दर्शन की, ज्ञान की, चरित्र की, जिसके बल पर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। भगवान के सानिध्य को पाने वाला भाग्यवान है। भगवान के काल में गिरा हुआ रत्न जिनने पाया होगा वो भी भाग्यवान होगा, लेकिन भगवान ने जो रत्न दिए उसे आत्मसात कर लेने वाला व्यक्ति खुद भगवान हो जाएगा। क्या चाहते हो? भाग्यवान तो आप हो, इसमें कोई संशय नहीं। तब तीन पीढ़ी के साथ खड़े हो, और हो सकता है जैसा आपने कहा तो पांच भी हो जाए। तो भाग्यवान तो हो, पर संत कहते हैं भगवान बनने की संभावना है। तुम उसे तो पहचानो, तुम भगवान भी हो। उद्घाटित करो अपने भीतर की शक्तियों को, उसे जानो, उसे पहचानो, तब कहीं हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। अभी अभी उनके भाव बने डॉक्टर MLN मणि, डॉक्टर शांति जी, डॉक्टर मनीष जी जैन, डॉक्टर अलका जी जैन, रितु श्रेय एवं हार्दिक जैन, जिन्होंने अपने गुरु की छवि निहारते हुए अपने भाव व्यक्त किए हैं। स्तंभ बनने के गुणातन स्तंभ के रूप में संबद्ध हो रहे हैं। मैं सम्मान करने के लिए सादरमंदित कर रहा हूँ श्रीमान CF गुणातन के सुनील जी एवं श्रीमान गोधा जी, संजय जी गोधा ट्रस्टी गुणातन, आए सम्मान करके गुणातन की महिमा मंडित करें। और तुरंत बाद मैं बरपुर महाराष्ट्र से पहले महाराष्ट्र निवेदन करूँ, जल्दी जल्दी जाए, जल्दी सीख कीजिए। जब तक आ रहे हैं तब तक मैं सूचना दे दूं कि अवसर आ रहा है बंधुओं, जबकि गुणायतन 22 से 27 फरवरी तक आयोजित होगा 108 दिन बिंबों का पंचकरण प्रतिष्ठा महामहोत्सव। इस महोत्सव में महापात्रों की चयन तिथि शीघ्र ही उद्घोषित की जाएगी, जिसमें आप अपना भाग अजमा सकते हैं और महापात्र बनकर के पुनर्वर्धन पुण्य संचय कर सकते हैं। मात्र 51,000 की राशि में इंद्रदायी बनकर के महोत्सव में सम्मिलित होकर होने का स्वभावी अवसर भी आपके समक्ष है। यदि आप बनना चाहते हैं तो शीघ्र ही गुणायतन संपर्क करके अपना नाम आरक्षित कर लें। और 28 फरवरी से 8 मार्च तक 9 सद्य प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का अनंत अनंत भगवंतों की महाअर्चना आगे सामने जा 108 दिन प्रतिमा के माध्यम से 108 मंडली मूल सत्यक महामंडल विधान का आयोजन होगा। इस मंडल की एक मंडल की पुण्यार्जन राशि मात्र 3,11,000 रुपये है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी पुण्यवर्धन करें तो शीघ्र ही अपना मंडल आरक्षित करके अपने जीवन को धन कर सकते हैं। इसमें आपको 10 दिनों तक आपके 8 व्यक्तियों को, परिवार के 8 व्यक्तियों को आवास, भोजन एवं पूजन तथा पूजन वस्त्र की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। इसलिए अविलंब मंडल बुक करके अपना जीवन पुण्य से संवर्धित करें, इस आयोजन में शामिल होकर के अपने जीवन को धन्य करें। और मैं परम पूज्य न्यापक श्रवण महामान मुनिराज प्रशांत सागर चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि गुरुदेव हमारे ज्ञान ग्रहण के लिए, हमारी समस्याओं के निदान के लिए आप एक प्रश्न प्रस्तुत करके हमें समाधान जलाने का उपकार करें। परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज से निवेदन कि प्रश्न प्रस्तुत करेंगे हम लोगों के लिए। नमोस्तु श्री, नमोस्तु नमोस्तु। एक महिला अपने चौके में गर्म पानी छान रही थी, उससे पूछा गरम पानी क्यों छान रही हो? तो वह महिला कहती है
मैंने पहले पानी नहीं छाना था। पानी छानना अनिवार्य है, किंतु पानी कब छानना यह विवेक की बात है, और विवेक प्राप्त होता है साधु संगति से, और दूसरा प्राप्त होता है वह स्वाध्याय करने से, जो आपकी उत्पन्न होती है जिज्ञासाएँ, वह कब होंगी? जब आप स्वाध्याय निष्ठ बनेंगे। और जो स्वाध्याय नहीं करते हैं वह किस तरह के हैं? एक छोटा सा है किंतु हास्य के रूप में है, किंतु आपका वह शिक्षा प्रद है। एक त्यागी जी एक नगर में आए और एक सेठ के यहाँ पर पहुँचे। उन्हें भोजन करना था और चल रहा था वार्तालाप दोनों का। सेठ ने पूछा, त्यागी जी आपका स्वाध्याय क्या चल रहा है? वह स्वाध्याय करते नहीं थे मगर बहुत बातूनी थे। तुमने कहा, सेठ जी ऐसा है, भोजन कर्तव्यम तो भी मर्तव्यम, भोजन न कर्तव्यम पढ़तव्यम तो भी मर्तव्यम, न पढ़तव्यम तो भी मर्तव्यम, फिर दांत किटा किटम किम कर्तव्यम। पढ़ेंगे तो भी मरना है, और ना पढ़ें तो ही मरना है, फिर दांत का किटकिट क्यों करूं? क्योंकि दांत भी पढ़ने में बोलने में ऊपर नीचे हो जाते हैं। समय निकलता गया। अब त्यागी जी कहते हैं, सेठ जी 11 बज रहे हैं, अर्थात भोजन कराओ, मुझे आगे भी जाना है। सेठ जी कैसे थे? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा उत्तर देने वाले। उनने कहा, ऐसा है त्यागी जी, भोजन कर्तव्यम तब भी मर्तव्यम, भोजन न कर्तव्यम तब भी मर्तव्यम, फिर अन्न ठुसा ठुसम किम कर्तव्यम। उनको तो बात समझ में आ गई थी, अब आपको भी आ गई होगी। तो आप सब क्या है, स्वाध्याय निष्ठ हो, आप और अच्छी अच्छी संकल्पन होंगी, उनके आपको समाधान मिल जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी की बहुत बढ़िया। परम पूज्य निर्वेक सागर जी निवेदन करूं, उसके पूछ एक 10 सेकंड सूचना महाराज श्री। आज गुणातन के संरक्षक श्रीमान आशीष जी रूपाली गिरिजा पुणे और रतलाल जी पुष्पा जैन ने गुरुदेव के साहित्य में अपनी सहभागिता दर्ज की है। आज इनके माध्यम से 50% छूट के साथ गुरुदेव का साहित्य उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने साधुवाद ऑनलाइन उन्होंने उपक्रम किया है। बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि गुरुदेव का साहित्य आज आधी कीमत, आज और कल आधी कीमत उपलब्ध है। जरूर साहित्य लें और अपने जीवन को, गुरुदेव ने कहा कि बिना स्वाध्याय के कुछ संभव नहीं है, तो इस स्वाध्याय के लिए आपको एक उपहार मिलने वाला है। आधी कीमत शास्त्र लीजिएगा, प्राप्त कीजिएगा। और परम पूज्य निर्वाक सागर महाराज से निवेदन करते हुए महाराज श्री अपनी वाणी से एक प्रश्न प्रस्तुत करके हमें समाधान करवाइए। बदलते परिवेश में बहुत सी परिभाषाएं बदल रही हैं। जिस चीज़ को पहले बहुत अच्छा माना जाता था, आज उस चीज़ का मूल्य समाप्त होता चला जा रहा है। रामायण का एक प्रसंग आचार्य महाराज के मुख से सुना था। सीता जी पर अब लांछन लगाया गया और रामचंद्र जी तक जब यह खबर पहुंची, तो उन्होंने सीता जी को वनवास देने का मनोभाव तैयार कर लिया और अपने सेनापति कृतांत वक्र को बुला करके यह संदेश दे दिया कि तुम्हें सीता जी को जंगल में छोड़ करके आना है। इधर सीता जी ने मनोभाव व्यक्त किया कि मुझे तीर्थ वंदना का परिणाम हो रहा है,
सो राम जी ने सोचा अपनी सेटिंग बैठ गई और उन्होंने कृतांत वक्र को तीर्थ वंदना का बहाना लेकर के सीता जी को भेज दिया। बहुत लंबी यात्रा होने के बाद एक स्थान पर वह रथ रुक गया। सो सीता जी ने पूछा, यहाँ कोई तीर्थ क्षेत्र तो दिख ही नहीं रहा, फिर भी आपने मुझे यहाँ क्यों रोक दिया? तो सेनापति की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, माँ आपको यहीं पर उतरना है, क्योंकि राजा राम की आज्ञा है कि सीता जी को वहीं पर छोड़ कर के आना। तो कहती, ठीक है, इसमें तुम्हें रोने की क्या बात है, मेरा ऐसा ही कर्म था तो मुझे तो फल मिलेगा ही। लेकिन वो रोते रोते कहने लगा, माँ मैं जानता हूँ कि तुम पूर्णतः निर्दोष हो, फिर भी मुझे आज उस अनुचित कार्य का समर्थन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक राजा का नौकर हूँ। आप जाते जाते मुझे इतना ज़रूर आशीर्वाद देना कि भविष्य में मुझे किसी की नौकरी ना करना पड़े। ये प्रसंग आपके लिए इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वर्तमान परिवेश में निश्चित ही है हर गृहस्थ के लिए आजीविका के साधनों को जुटाना बहुत अनिवार्य है। आचार्य कहते हैं, वो श्रावक कोड़ी का नहीं जिसके पास कोड़ी ना हो, अर्थात श्रावक के पास धन का जरूरी होना आवश्यक है, जरूरी है, किंतु धन उपार्जन कैसे किया जाए, इस विषय में हमारी प्राचीन परंपरा तो ये है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और जघन्य नौकरी, भीख निदान। अभी जो स्वतंत्र उत्कृष्ट सागर महाराज बने, कौन? विद्याधर के बड़े भैया, हो आचे, वो उन्होंने एक बार हमें सुनाया था, उन्होंने कर्नाटकी भाषा में बीएससी बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की और जब नौकरी वो करना चाहते थे लेकिन उनके पिताजी मल्लप्पा जी ने मना कर दिया, अरे हमारे यहाँ 10 नौकर काम करते खेत में, तो किसी की नौकरी करेगा, कहीं नौकरी नहीं करना, खेती इतना बढ़िया अपने पास साधन है आजीविका का, तुझे नौकरी नहीं करना, इसलिए मैंने नौकरी को स्वीकार नहीं किया। अर्थात आजीविका चलाने के लिए उत्तम तो खेती को साधन माना है, किंतु आज हम बदलते परिवेश में देख रहे हैं नौकरी को सर्वोत्कृष्ट साधन माना जा रहा है। और आज यदि आप अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं और 3 ऑप्शन आपके साथ में हैं, तो आप किसको अपनी बेटी देना चाहेंगे, ये आप अपने मन से कहना। और परसों हमने बताया था, नौकरी से अगर यदि विवाह होता है तो बेटी नौकर से विवाह करने वाली क्या कहलाएगी, यदि काश वो सेठ होता तो क्या कहलाती, अब विचार आपके ऊपर है। इतना फिर भी आचार्य कहते हैं, प्रशासनिक सेवा करना, देश की सेवा के उच्च पदों पे रहना अथवा शिक्षा आदि का कार्य करना उतना बुरा नहीं है, किंतु जिस देश में हमने पाल पोस के बड़े हुए, जिस देश का हमने अन्न खाया, जिन माता पिता का दूध प्यार पाकर के हम बड़े हुए, उन सबको छोड़ कर के और माँ धन कमाने के लिए 25-50 लाख की नौकरी भी अगर आप कर रहे हैं, तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, माता पिता के पास रहकर के सूखी रोटी खाना मंजूर होना चाहिए, किंतु बाहर जाके माल पुआ भी वो हमारे सुख का कारण, क्योंकि हमें तो हमेशा बार बार आचार्य भी, अभी एक जो विद्यांजलि प्रोडक्ट जो जिन्होंने किया, वो भैया विदेश में इंग्लैंड में थे और लाखों को 50 लाख का उनका पैगन ने स्वयं बताया, किंतु जब मैं गुरुजी के चरणों में पहुंचा तो गुरुजी ने कहा, तुमने सब कुछ देश से लिया, देश को दिया क्या, तो आचार्य मैं क्या कर सकता हूँ, उन्हें कहा देश और अहिंसा धर्म के लिए तुम कुछ करो, तो उन्होंने 50 लाख का पैकेज छोड़ करके और विद्यांजलि का प्रोडक्ट बनाते हुए आपके सामने शुद्ध वस्तुएं प्रस्तुत कर रहे हैं।
आज जहाँ पाउडर आदि आप उपयोग करते हैं नॉन वेज होता है, कहाँ उसमें तेल आदि जो डाला जाता है, लेकिन अब वो बताते हैं शुद्ध तेल के माध्यम से लिपस्टिक विपस्टिक सब बनाने लगे बताते हो, और वो शुद्ध अर्थात अपने देश और परिवार के लिए करना चाहिए। कंपनियों की नौकरी जो बच्चे कर रहे हैं, हम बार बार उनसे कहते हैं बेटा तुम्हारे पास तो वो शक्ति है, आज माता पिता के करोड़ों का व्यवसाय छोड़ के और बच्चे नौकरी करने चले जाते हैं, माता पिता तरसते रहते हैं। अशोक नगर में हमारा वर्षा योग था, एक चिट्ठी हमारे पास आई, एक पिता की वो चिट्ठी थी, वो उन्होंने लिखा था या किसी ने उन्हें संस्मरण सुनाया होगा, मेरे दो बेटे थे और मैंने दोनों को पढ़ा लिखा करके खूब अच्छा बनाया, एक बच्चा कान बेंगलोर में है और एक बच्चा पुणे में है, और हुआ ये हम दो ही बचे घर में। एक बार माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और मैंने पत्र लिखा बेटा आ जाओ, तो बेटों ने कहा मेरे पास वक्त नहीं, हम आ नहीं सकते, नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही, नौकर तो नौकर ही होता है, फिर क्या करें। तो वहाँ पर जो है आखिर माँ मर गई, बच्चे नहीं आए, फिर पत्र लिखा तो छोटा बेटा आया बड़ा नहीं आया, तो पूछा बेटा तू आया बड़ा क्यों नहीं आया, हम दोनों भाई ने निर्णय कर लिया था माँ मर गई तो तू चले जा और पिता मर जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। ये नौकरी की बात है। आज आप लोग जिसको बहुत श्रेष्ठ मान रहे हैं निश्चित मानिएगा, ये मूक माटी में आचार्य महाराज ने लिखा है, जिसको स्वतंत्रता का अपना अभिमान नहीं होता, अरे हम दो रोटी कमाकर कम खाएंगे लेकिन हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे, ये हमारी प्राचीन परंपरा थी। इसीलिए नौकरी को सर्वोत्कृष्ट मानने वालों हमारा इतना ही कहना है, आवश्यकता हो तो बिल्कुल मना नहीं है, जिसके घर में कोई बिजनेस नहीं था वो बच्चे अगर नौकरी करे तो ठीक है, पिता के पास करोड़ों का बिजनेस है और बेटा जाके 25-50 लाख की नौकरी कर रहा है। गंज वासुदा में एक बच्चा हमारे पास आया, बोले महाराज नमोस्तु, में कहाँ रह रहे हैं, मैं कलकत्ता में कंपनी की नौकरी कर रहा हूँ, पिताजी के कितने बेटे हैं, एक अकेला मैं बेटा हूँ और करोड़ों की संपत्ति पिता मंदिर के लिए दान कर रहे हैं और तुम कहाँ नौकरी का, हमने कहा आशीर्वाद नहीं देते, जिस दिन नौकरी छोड़ के आओगे उस दिन मेरे पास आना, दोनों हाथ से आशीर्वाद मिलेगा। 6 साल भर बाद वो बच्चा है, बोले महाराज नमोस्तु, हमने कहा देखा ही नहीं उसकी तरफ, बोले महाराज नौकरी छोड़ के आया हूँ आशीर्वाद दो, हमने कहा बहुत अच्छा बेटा तेरे जी। आज उसके माता पिता व्रती हैं और उस बच्चे ने चक्रवर्ती माता पिता के साथ रह करके उनके व्यापार को संभाल रहा है। जिनके घर में व्यापार नहीं है वो नौकर बन जाओ, परिस्थिति है जब नौकरी करो तो आंसू बहाते बहाते करना, जब हम सेठ बनने की योग्यता रखते हैं फिर किसी की नौकरी करना हमारे लिए उचित नहीं है। आचार्य महाराज स्पष्ट द्रव्य संग्रह का अभी हम सर्वा सिद्धि का उनका प्रवचन पढ़ रहे थे कि पारंपरिक व्यवसाय जब हम करते हैं तो बहुत कुछ कम हमें श्रम करना पड़ता है। सुन नहीं रहे आप लोग, सुन रहे क्या, पारंपरिक व्यवसाय अगर आपका छोटा सा भी व्यापार है किराने का भी, तो भी जब हमारे पिताजी के पास कुछ नहीं था तब उन्होंने लाखों का व्यापार कर लिया, जब वो पढ़े लिखे कम थे, तुम पढ़े लिखे हो यदि थोड़ा सा उस व्यापार में लगोगे तो और बड़ा बड़ा उसको व्यापार कर सकते हैं। और जब भी उन्होंने कहा था शायद 7-5 पीढ़ी वालों ने बड़िक का पुत्र कह रहे थे कि हम जितना सुन पाए, अर्थात किसी व्यापारी के पुत्र हम हैं तो व्यापार को हमें संभालना चाहिए, और जब कन्यादान की बात आए तो सबसे पहले व्यापारी को ढूंढना चाहिए। एक बार शायद महाराज जी के शंका समाधान हमने सुना था, उस समय किसी ने कहा था नौकरी वाला बहुत कर सकता व्यापारी कुछ, लेकिन जो आज इस जहाँ आप दान दे रहे हैं ध्यान रखना नौकरी वाला लिमिटेड होता है, वो दान के परिणाम नहीं बना पाता, जो व्यापारी दान के परिणाम पवाता है। हमने तो देखा 5,000 से व्यापार शुरू करने वाला आज करोड़ों का आसामी है, और जितने आज जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जिसको आपके अडानी वगैरह, ये सब सामान से छोटे व्यापार आर के मार वाले जैसे, ये सब साइकिल या छोटे छोटे व्यापार से उठे और आज पूरे देश में धनपति बन करके बड़े बड़े देश के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए हम वणिक व्यापार हमारे परंपरा है, इसलिए नौकरी करना अनिवार्य हो तो मना नहीं है, किंतु माँ बाप परिवार धर्म देश यदि वास्तव में मन में पीड़ा है भगवान हमसे छूट गए तो सब छोड़ दो, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवी चक्रवर्तपी स्याचे टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवास्ता, धर्म छूट गया और
करोड़ों की संपत्ति भी वो हमारे लिए सुख का कारण नहीं होती। इसलिए नौकरी को नंबर वन मत मानो, नौकरी को नंबर तीसरे पे मानो। जब कुछ नहीं तो किराने की दुकान खोल लेना, तुम सेठ कहलाओगे। हमें ध्यान है बचपन में हम लोगों को लोग सेठ जी कहते थे, भले कुछ नहीं था जेब में 5 रुपए नहीं, किंतु सेठ जी कहाँ जा रहे, बड़ा खुश होते थे, प्रसन्नता होती थी कि हम सेठ नहीं है फिर भी सेठ कहते। बनिया का लड़का हमेशा सेठ कहलाता है, किसी की नौकरी करना ये हमारी परंपरा है ही नहीं, फिर भी परिस्थिति बने मना नहीं है। या अच्छे प्रशासनिक सेवा में जाओ, थोड़ा दम रहे कि दुनिया को हम मिशन दिशा निर्देश दे सकते हैं। 25-50 लाख की नौकरी के लिए तुम सब कुछ छोड़ रहे हो, वहाँ तुम 50 लाख कमाओगे, यहाँ 5 लाख में परिवार कर लोगे, और गांव में रहोगे अपने गांव में तो 50,000 में तुम्हारी जिंदगी वो आनंद लूट लोगे जो 50 लाख में आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए नौकरी को नहीं व्यापार को मुख्यता दो, और अपनी बेटी व्यापारी को दो, किसी नौकर को देके नौकरानी मत बनाओ। महावीर भगवान की। अभी आप लोग सुन रहे थे महाराज जी को, महाराज जी ने जो मार्गदर्शन दिया, कई लोगों के मन में उथल पुथल होगी, हम तो जॉब कर रहे हैं अब हमारा क्या होगा। दरअसल हमें पहले से अपनी भाव दशा को ठीक करना होगा। आज जो आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई का मकसद ही हो गया एक अदद नौकरी। IIT कर रहे हैं तो नौकरी के लिए, CA कर रहे हैं तो नौकरी के लिए, MBA कर रहे हैं तो नौकरी के लिए, कहीं भी जा रहे तो नौकरी। ये मानसिकता बदलनी चाहिए और हमें इनोवेशन की ओर जाना चाहिए। नौकरी के संदर्भ में चूंकि आज के समय में बहुत सारी दुविधाएं हैं, जिनकी व्यावसायिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड साउंड नहीं है, वो नौकरी का रास्ता पकड़े तो समझ में आता है। जिनका अच्छा खासा व्यवसाय कारोबार है वो नौकरी करे ये ठीक नहीं है। नौकरी में आप 100 मील से आगे नहीं जाओगे, अपने व्यापार में आपका अनंत आकाश है, आप कहीं भी जा सकते हैं।